मेंबर्स के लिए एक नई ऑफर है और हमारे मोहित भाई जो है ना ये PBN मेंबर्स के लिए जो है ना एक डिस्काउंट ऑफर लेकर के आए हैं। और मैंने इनसे कांटेक्ट किया था, मैंने कहा यार आप ये एसेसरीज जो है बर्ड्स के हवाले से जो है ना वो सेल करते हैं तो क्यों ना हमारे मेंबर्स को इससे जो है ना वो फ़ायदा हो और उनके लिए कोई डिस्काउंट ऑफर दें आप। तो काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही थी, यानी मगर इससे पहले बातचीत चल रही थी मगर कुछ मसरूफियात की वजह से जो है ना वो मोहित भाई जो है ना वो बिजी थे, इस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई, वरना ये ऑफर बकरे से पहले हो जाती। खैर आज इनके घर पे विज़िट किए हैं हम लोगों ने, नाजमाबाद में दिलपसंद बोर्ड ऑफिस के पास इनका घर है। तो हम लोगों ने कहा हम आपके पास आते हैं कि एसेसरीज ऐसी हैं कि वो जो है ना हम इसको जो है ना इतना सारा इनके लिए उठाना और लेके आना बड़ा मुश्किल था। हमने कहा हम आपके पास खुद विज़िट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मोहित भाई, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है मोहित भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया हमें और मेंबर्स के लिए एक ऐसी अच्छी चीज़ है जो कुदरती तौर पे जो वाइल्ड के तौर पे जो है ना बर्ड्स के हवाले से जो चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये बहुत कम लोग कर रहे हैं। वैसे तो आर्टिफिशियल प्लास्टिक के तौर पर चलती हैं सारी चीज़ें मगर आपने इसके लिए बहुत अच्छा एक इस पर मेहनत भी है और वर्क भी है। तो इस ये जैसे अब ऐसे सीरीज़ हैं इसके बारे में आप बताएं कि मेंबर्स के जो आप रिटेल प्राइस होती है जो होलसेल प्राइस होती है मेंबर्स को हमारे लिए क्या डिस्काउंट है और PBLA जो मेंबर्स हैं उनके लिए क्या आप ऑफर देना चाह रहे हैं? सर देखें APBLA के लिए स्ट्रेट ऑफर हमारी है 30% ऑफ टोटल ऑर्डर के, हम स्ट्रेट आपको देंगे, आप अपना मेंबरशिप हमें शो कर दें और डिस्काउंट लेंगे। अच्छा ये जैसे ये एसेसरीज आ रही हैं ये जो है बताइएगा कि टोटल है हमारे मेंबर्स को कि क्या क्या प्राइस में डिस्काउंट के साथ बताइएगा कि जो आप 30% डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये इसकी क्या ये किस मकसद के लिए यूज़ हो रही है और क्या चीज़ है ये? सर ये आई स्टैंड है, ये आपको इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी आपको इस टाइप के आपको नज़र आ जाएंगे, हमने उसको इधर पाकिस्तान के अंदर ही इधर हमने पैक करा है इसको और मतलब एवरी बर्ड्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो बर्ड्स फॉर ऑल है, मतलब कोई किसी को हमें स्पेसिफाइड नहीं कर रहा है कि आप किसी मखसूस बर्ड के लिए आप यूज़ करें, आप हर बर्ड के लिए हमारी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये आई इसको आई स्टैंड है, ये मतलब आई बर्ड्स की जो डिजीज का जो सबसे ज़्यादा मैटर आता है वो एक जगह सेटिंग की वजह से आता है, तो उसको जितना भी प्ले मिलेगा बर्ड्स उतना हेल्दी होगा, चाहे उसके पास स्पेस कम हो मगर आप उसको हैप्पी रहेगा। हाँ आप उसको प्लेन के अंदर दें, इसी तरीके से ये स्ट्रेट स्विंग है बर्ड्स इसको स्ट्रेट के हमने शेप के अंदर इसको लिया है, अब बर्ड्स इसके इसके ऊपर भी प्ले कर सकता है। इसी तरीके से हमने पर्चीज के तौर के ऊपर भी हमने स्ट्रेस को इंट्रोड्यूस करा है कि वो आप इसको हैंग कर दें सेटिंग के ऊपर, इसके ऊपर भी वो प्ले कर सकता है। इसी तरीके से सिंपल है, सिंपल स्ट्रेस आपको भी अवेलेबल हो जाएंगी कि आप इसको कहीं के ऊपर कहीं पे भी आप इसको सेट करके बस इसके ऊपर प्ले कर सकते हैं। ये इससे रिलेटेड है। अच्छा इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि ये छोटे बर्ड्स के लिए या बड़े बर्ड्स के लिए अवेलेबल? ये बड़े बर्ड्स के लिए भी अवेलेबल होगी, आपको हमारा मेक और ऑर्डर भी काम है और कस्टम मेड भी। अगर आपको कुछ चीज़ें जो हैं मतलब मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपको स्टैंड्स वगैरह मतलब बर्ड्स के लिए बड़े बर्ड्स के लिए या छोटे बर्ड्स के लिए भी अगर आपको ओपन एयर के अंदर आपको अपने स्टैंड्स रखने हैं वुड से रिलेटेड वो हम आपको मेक करके दे देंगे। इसी तरीके से अगर आपको बॉक्सेस भी चाहिए तो वो भी हम आपको स्पेशली ऑर्डर के ऊपर वुड के अंदर मेक करके हम आपको दे देंगे। ये हमारा मेक फॉर ऑर्डर्स भी है। सर ये बताएंगे कि ये कौन सी लकड़ी में बना हुआ है? सर ये कीकर के ऊपर बना हुआ है टोटली। जी सारा कीकर के ऊपर कीकर पर लगा हुआ है। अच्छा ये और आइटम बताएं। अच्छा ये इस तरीके से एक ये फोर साइड स्विंग है, क्या
अगर आप इसको आपने कॉलोनी ये हैंगिंग कर सकते हैं आप इसको, और इसको कॉलोनी के अंदर भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि आपका सिर्फ दो ही बर्ड्स बैठे हैं, चारों साइड के ऊपर बर्ड्स इसके ऊपर सिटिंग कर सकते हैं, ये फोर साइड स्टैंड है। इसी तरीके से ये सिंगल स्टैंड है, सिंगल पीस के अंदर भी ये बना हुआ है थ्रेड के अंदर। इसी तरीके से ये चेन के अंदर इसकी अवेलेबिलिटी है हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर आपको बड़े स्टैंड्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये मैं देख रहा हूँ ये चीज़ सर, ये डी स्टैंड है, ये डी स्टैंड्स हैं, ये फिक्स हो जाते हैं केज के अंदर, ये भी प्लेइंग स्टफ है। अच्छा, ये किस तरीके से प्लेइंग स्टफ? ये प्लेइंग स्टफ है, इसके पीछे क्लिप्स लगेंगे, वो आप उसको क्लिप लगा के इसको केज के अंदर बाहर से फिक्स करते हैं, फिट कर दें। ये प्लेइंग के लिए वो अपने तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने परसों के कैल्शियम्स वगैरह लगाया हुआ है तो आप इसके अपर साइड पे भी कैल्शियम लगा दें, बट इसके ऊपर सेटिंग कर लेगा, आपका कैल्शियम भी ज़ाया नहीं होगा, जो जितने भी कैल्शियम्स हैं या आपका फिश कटर बोन्स हैं उसका जो चूरा है वो इसी के ऊपर ही गिर जाएगा, बट इसके ऊपर से पिक कर लेगा वो वापस। तो ये डी, इसको हमने डी स्टैंड का नाम दिया हुआ है, ये मुख्तलिफ आपको उसमें मिल जाएंगे। इस तरीके से जो केजेस से रिलेट है, ये हमारा ब्रांच स्टैंड है, ये वन साइडेड से फिक्स हो जाता है, ये भी प्लेइंग स्टफ के अंदर हमारा जाता है। हम इसको ऑफर करते हैं कि आप इसको प्लेइंग के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट आपको इसमें साइजेस आपको तो मिल जाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल वुड है तो इसके लिए मतलब हम उसको स्पेसिफाइड नहीं कर सकते कि कितनी थिकनेस मिलेगी, तो वो ये मिक्स थिकनेस के अंदर अवेलेबिलिटी हो जाती है। साइज में भी मतलब साइज हमारा स्टैंडर्ड है 8 इंच, 8 इंच, इसमें छोट बड़ाई थोड़ी बहुत होती रहती है मगर स्टैंडर्ड साइज 8 इंच का होता है। ये सारे कीकर बोर्ड है, कीकर आएगा या फिर नीम आएगा, इसके अलावा कोई तीसरा बोर्ड नहीं आता। ये हमारा बॉक्स स्टैंड है, इसके अंदर हमारे पास दो साइजेस अवेलेबल हैं, एक 6 इंच है और एक 4.5 और 5 इंच के करीब का एक साइज आता है हमारे पास। ये बॉक्स स्टैंड है, इसको मेक करने का सब बेसिक मकसद ये था कि बर्ड्स अपने बॉक्स के जो माउथ है उसके ऊपर ना सेटिंग ना करें, वो बाहर आके सेट कर ले, अंदर सेट ना करें, क्योंकि जब अंदर सेट करता है तो एयर इसका जो प्रॉब्लम आता है वो थोड़ा सा रुकता है, वो माउथ के ऊपर आके बैठ जाता है, जबकि अगर अंदर फीमेल या मेल अंदर बैठा हुआ है तो वो अंदर ही रह जाता है जब तक कि वो बाहर नहीं बाहर से हटे। तो हमने उसके लिए ये वेटिंग स्टैंड हमने बनाया था कि बर्ड्स बाहर आके बैठ जाए, माउथ के ऊपर ना बैठ जाए। तो उसकी वजह यह है, उससे यह है कि आपकी एयर क्रॉसिंग भी हो जाती है, बर्ड्स भी कम्फर्ट हो जाता है। अच्छा, ये इसके अलावा ये जो मैंने रिंगिंग देख रहा हूँ और ये बहुत सारी चीज़ें, ये प्लास्टिक में भी आपने चीज़ें रखी हुई हैं बहुत सारी? जी सर, इसमें मेरे पास आपको फिच से स्टार्ट करते हैं, फिच के अंदर मेरे पास सिंगल कलर्स के अंदर भी तकरीबन 40-45 कलर्स अवेलेबल हैं। ये हमारा 12 पीस का पैक है, ये आपको मिल जाएंगे इसमें 45 कलर्स, इसमें डिफरेंट कलर्स आपको सीरीज़ के साथ मिल जाएंगे। ये पिंच के लिए है और रिंग जी लेग रिंग आइडेंटिफाई के लिए। अच्छा, ये बच्चों को पहनाते हैं या बड़ों को? ये आप एडल्ट को डाल सकते हैं, एडल्ट को वेयर करा सकते हैं, ये हमारा मतलब जो साइज है वो एडल्ट के हिसाब से बना हुआ है, आप बच्चे को डालना चाहे तो बच्चे को, मतलब न्यू बॉर्न को तो नहीं, मगर जो थोड़ा मतलब बड़ा हो जाए मैच्योर हो जाए तो उसको डाल सकते हैं। ये 50 पीस का हमारे पास भी अवेलेबल है मल्टी कलर के अंदर, ये 50 पीस का पैकेट हमारे पास अवेलेबल है, और ये सारे इम्पोर्टेड है, सिलिकॉन रिंग्स हैं ये रबर मतलब पाइप रबर के नहीं बने हुए हैं, ये सिलिकॉन डाई मेकिंग है, ये डाई मेकिंग है, ये एक ही साइज आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको मुख्तलिफ और आइटम्स मिल जाएंगे, रिंग्स के अंदर आपको डरपा रिंग्स मिल जाएगा, मेरे पास आईडी इसके ऊपर कस्टम मेड है, आईडी मेड है, इम्पोर्टेड रिंग है, और इसके साथ आपको मिल जाएगा कॉकटेल एडल्ट का रिंग मिल जाए अवेलेबल है मेरे पास अभी, ये प्लेन के अंदर है, कलर्स के अंदर है, ये सिल्वर हैं, ये रिंग नेक्स के अवेलेबल हो जाएंगे, रिंग्स अवेलेबल हो जाएंगे, ये पिजन के हैं रिंग्स हैं सिल्वर के अंदर, और पिजन के अंदर लॉक रिंग्स आप जो प्लास्टिक के जो लॉक रिंग्स आते हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे मेरे पास। इसके अलावा मजीद कुछ और आइटम्स अभी ऑन पाइपलाइंस पे हैं,
वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अंदर आपको कॉकटेल का भी साइज मिल जाएगा और इनकमिंग के अंदर लवबर्ड का साइज भी आ रहा है सिल्वर के अंदर कस्टम मेड, तो वो भी आपको अवेलेबिलिटी हो जाएगी उसकी इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा आपको अब फूड से रिलेट आपके ऊपर मैं बात कर लूँ तो स्टील के अंदर ये फूड पॉट्स हैं, ख़ासतौर के ऊपर कॉकटेल्स और लवबर्ड्स वालों को बड़ी परेशानी होती है कि वो पॉट्स बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, तो ये हमारा अपनी मैन्युफैक्चरिंग हुई भी है स्टैंड और प्लस एसएस का बाउल है, ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये फूड क्लिप है, आप इसके अंदर वेजिटेबल्स फ्रूट्स और कैटल बोन्स वगैरह आप इसके अंदर आप इसको लगा सकते हैं, इसके अंदर इजी टू यूज़ है और फूड ग्रेड के अंदर बना हुआ है, इम्पोर्टेड है। अच्छा, ये वो इस तरीके से आप इसको हैंग कर सकते हैं? जी हाँ जी, इसके अंदर पीछे क्लिप्स हैं, आप इसको पीछे से ऑपरेट कर सकते हैं, क्लिप अंदर चला जाएगा और इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बाहर हो जाएगा, आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये अवेलेबिलिटी हो जाएगी आपको, प्लस फूड स्पून्स अवेलेबल है हमारे पास, ये भी इम्पोर्टेड है कस्टम मेड है। और इसके अलावा आपने भी किसी को हैंड फीड कराना है, हैंड फीड कराना है तो आप बर्ड को आप उसको यूज़ करा सकते हैं, या कोई बर्ड बीमार हो जाए उसके लिए, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, हैंड फीड करा सकें, ये हैंड फीड करा सकें। ये मेजरमेंट स्पून है जो प्रेमिश के लिए ये यूज़ होते हैं, तो ये आपको ये भी अवेलेबल हो जाएगा हमारे पास। इसका क्या इस तरीके से यूज़ करते हैं इसको? ये MM इसमें मतलब MM का भी है और इसमें ये दो टाइप के यूज़ होते हैं, एक MM होता है और एक आई थिंक सू LB यूज़ होता है, वो यूज़ होता है। ठीक है, ये मतलब कंप्लीट पूरा सेट है, एक ही स्पून के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी अवेलेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास, ये भी एक कस्टम मेड ब्रांड मतलब इम्पोर्टेड है, लोकल नहीं है। इसके अलावा आपको ये आज को एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा था डोर लॉक्स के हिसाब से, हमारे पास डोर लॉक्स ये अवेलेबल हैं, ये जो डोर लॉक्स हैं इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोगों के बर्ड्स जो है ना वो केज खुला रहता है तो वो उड़ जाते हैं, तो ये आराम से इसकी पहचान कर सकते हैं। इसके साथ ही अभी हमने एक अपना नई प्रोडक्ट अभी लॉन्च करी है और आज फर्स्ट टाइम ये डिस्प्ले के ऊपर आ रही है, ये पैक ऑफ 3 है, ये स्प्रिंग डोर लॉक है, स्प्रिंग डोर लॉक है, आप इसको इजीली हैंग नीचे से इसको असेंबल कर सकते हैं ताकि ये निकले नहीं और आराम से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये मेन डोर के हिसाब से हैं और ये इसके अंदर छोटे भी हमने इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि फूड डोर के लिए हैं। अच्छा, इसको किस तरीके से करेंगे, यानी कि लॉक कैसे करेंगे इसको? सर, ये नीचे से आप जो डोर का जो भी बॉटम साइड होता है आप उधर उसको क्लिप कर सकते हैं, इसके अंदर हुक बना हुआ है, आप इसको करके इसको आप आराम से इजीली ऊपर से आप इसको हैंग कर सकते हैं। ये इजी टू वर्क है और कंफर्ट है, स्प्रिंग टाइप, हाँ स्प्रिंग, इसके अंदर स्प्रिंग भी मजबूत है, स्प्रिंग मजबूत है, हार्ड है और है भी अच्छा, क्वालिटी भी अच्छी, क्वालिटी बहुत है। तो ये आपको अभी फर्स्ट टाइम ये अभी मार्केट के अंदर भी फर्स्ट डिस्प्ले आ गया है। इसके अलावा आपको फूड से रिलेट आपको एक दो आइटम्स हमारे पास अभी अवेलेबिलिटी है, एक ही हमारा सी फूड मिक्सचर है, ये नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम है, प्लस ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए है और स्पेशली जो सर्दियों में जो प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं कि बर्ड्स को सर्दी लग जाती है, उससे भी प्रोटेक्ट करेगा ये, क्योंकि इसके अंदर मेन सोर्स जो है वो सारा सी फूड्स हैं, सी फूड के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं प्राउंस यूज़ कर रहे हैं, हम क्रैब्स यूज़ कर रहे हैं, फिश यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर हम
फिश कैटल बोन यूज़ कर रहे हैं और मोरिंगा पाउडर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारी अपनी प्रोडक्ट है माशाल्लाह। हीट पर्पज़ के लिए भी काम आएगा, ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए भी फोर्स करेगा। सर्दियों के लिए, सर्दियों के अंदर आप स्पेशली यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप 12 महीने यूज़ करना चाहें तो 12 महीने भी इसको आप एटमोसफेयर के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि अपनी फीड के अंदर। यानी फीड में यूज़ होगा, ये फीड के अंदर यूज़ होगा। दाने के ऊपर अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर लें, अगर हम बोलते हैं कि आप इसको एग फूड्स या ग्रीन फूड्स वगैरह के ऊपर मैंने स्प्रिंकल करना है आपने, और कुछ नहीं करना। ये पाउडर शेप में, पाउडर शेप के अंदर ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा मेन मसला आता है वो आता है कॉड लिवर ऑयल का। हमारे पास कॉड लिवर ऑयल अवेलेबल है अनफिल्टर फॉर्म के अंदर, अनफिल्टर फॉर्म के अंदर ये अवेलेबल है। प्योर कंडीशन, प्योर कंडीशन, जो प्योर कंडीशन है, फिल्टर नहीं होगा, अनफिल्टर। स्मेल भी होगी इसमें? जी, स्मेल इसमें, स्मेल मौजूद है। और जो इसकी आप अगर चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं इसको खोल के। प्योर फिश की इसमें इसका बेनिफिट, फिल्टर वाले में वो इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं होता जितना ये जल्दी काम करते हैं। ये अलग है, ये एप्पल साइडर है, एप्पल विनेगर है। ये आप लोग खुद प्रोडक्ट कर रहे हैं? नहीं, ये हम मंगवा रहे हैं। अच्छा, ये लोकल है? हाँ, लोकल है, लोकल है, मगर ए ग्रेड फॉर्म के अंदर है, मतलब मिलावट वाली कोई नहीं। ये 125 अच्छा, इसमें अमूमन जो होता है उसमें जो लोकली है मार्केट में मिल रहा है वो मिलावट होती है उसमें ना। अब वो बोलते हैं कि प्योर एप्पल विनेगर है, बट वो होता नहीं है उसमें। हाँ, इस चीज़ की छोटी देंगे, हाँ, इस चीज़ की छोटी देंगे कि प्योर हमारी कोई भी आप प्रोडक्ट लेंगे वो प्योर होगी सर। ऑन कर दिया उसमें। अच्छा मोहित भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जितने भी आइटम्स हैं ये आप पाकिस्तान में कहाँ कहाँ डिलीवर कर सकते हैं? कराची में ही है या इसके अलावा आप जो है ना वो आउट ऑफ सिटी भी इसका? सर, हमारी ऑल ओवर पाकिस्तान हमारा कुरियर है, हम कैश ऑन डिलीवरी काम करते हैं। ठीक है, हमारा मतलब हम उसके बेस के ऊपर नहीं काम करते कि आप हमें एडवांस दें देन हम काम करेंगे। हाँ, कोई अगर बिग ऑर्डर है तो वो उसके ऊपर तो वो फिर हम उसी हिसाब से मतलब ऑर्डर को लेते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके नॉर्मल ऑर्डर्स हैं हम उसको कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर लेते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान हमारी डिलीवरी है। अच्छा अच्छा, तो उसके अलग चार्जेस हैं? वो अलग से चार्जेस, चार्जेस वो चार्जेस होते हैं, वो डिपेंड ऑन सिटीज़ के हिसाब से, डिपेंड ऑन सिटी। ठीक है। अच्छा, मेम्बर्स के लिए आप बता रहे थे कि सब पे क्या डिस्काउंट दे रहे हैं आप जी मेम्बर्स को? स्ट्रेट हमारा हम तमाम मेम्बर्स को जो भी APVLA के जो भी मेम्बर्स हैं उनको हम 30% स्ट्रेट हम ऑफ़र कर रहे हैं कि आपके रेफरेंस से, चैनल के रेफरेंस से, या जो व्हाट्सएप के ऊपर जो भी आपका ग्रुप है उसके थ्रू जो भी आएगा, कार्ड के थ्रू आएगा, हम उसको स्ट्रेट 30% ऑफ़ जी। अच्छा, ये आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दें अपने नाम के साथ और व्यूअर्स को के आपका नाम और अब्दुल मुहित और टेलीफोन नंबर प्लीज़ जी। मैं बता देता हूँ, मेरा नाम अब्दुल मुहित बेग है, मेरा टेलीफोन नंबर है 0333215631। व्हाट्सएप के ऊपर भी यही नंबर है, व्हाट्सएप के ऊपर कैटलॉग मेरी अवेलेबल है, आप उधर जाके मेरी कैटलॉग को चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर प्राइजेस सारी चीज़ों की मेंशंस हैं। अदर देन व्हाट्सएप अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप AMB ट्रेडर्स के नाम से आप मुझे सर्च मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर AMB ट्रेडर्स के नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा पेज फिंच लवर FL के नाम से मेरा पेज है, आप उधर जाके भी सर्च कर सकते हैं। मुहित बेग के नाम से मेरी फेसबुक ID है, आप उधर जाके उस जाके भी मुझे उधर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप दराज के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो दराज के ऊपर मेरे पास AMB ट्रेडर के नाम से मेरी शॉप है, आप उधर जाके भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। AMB ट्रेडर.ez दुकान के नाम से मेरी इजी दुकान भी मौजूद है, आप उधर जाके भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर,
ठीक है ठीक। अच्छा बहुत शुक्रिया मोहित भाई आपका। और APBLA मेंबर्स के लिए आप अपना कार्ड शो करेंगे, इन्होंने अपना नंबर बता दिया है। जो मेंबर है उनके लिए 30% डिस्काउंट है, जैसे 100 रुपये की चीज़ है तो वो 70 रुपीज़ में अब्दुल मीज से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। डिलीवरी चार्जेस जो जहाँ एरिया में होंगे वो आपसे ये तय कर लेंगे कि जो भी डिलीवरी है और कितनी क्वान्टिटी में क्या क्या चाहिए आप लोगों को, नंबर इन्होंने बता दिया है। और APBLA को ज्वाइन करें, इसका हिस्सा बने और प्रमोट करें चैनल को, और हमारे ग्रुप को, एसोसिएशन को, इंशाल्लाह नए ऑफर्स के साथ आप लोगों के लिए इंशाल्लाह फिर दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।